अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। सो इन टुडेज सेशन आई एम गोइंग टू गिव द आंसर्स टू द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम नौशीन हान, द लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन वाई स्क्वेर्ड प्लस जेड स्क्वेर्ड माइनस एक्स स्क्वेर्ड टाइम्स पी माइनस टू एक्स वाई टाइम्स क्यू प्लस टू एक्स जेड इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन को के सॉल्यूशन के बारे में पूछा है नौशीन हान ने। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन। लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी इक्वेशन है और उसको सॉल्व करने का क्या मेथड है। ओके, लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म ऑफ लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पी टाइम्स पी प्लस क्यू टाइम्स क्यू इज इक्वल टू आर। ओके, सो हेयर स्मॉल पी इज बेसिकली द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड स्मॉल क्यू इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड हेयर कैपिटल पी is a function of x, y and z. Similarly, q is also a function of the variables x, y and z and r as well the function of x, y and z. Okay, so here in the Lagrange's linear partial differential equation, capital P, Q and R, these are the functions of x, y and z, and small p is the partial derivative of z with respect to x and q is partial derivative of z with respect to y. So in order to solve this partial differential equation, we first of all take its auxiliary differential equation. So we first of all take this differential equation, which is called auxiliary differential equation. तो इस partial differential equation की जो auxiliary equation होगी उसको हम इस तरह लिखते हैं, dx over capital P is equal to dy over capital Q is equal to dz over capital R. तो यहां से हमारे पास हमें डिफरेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाती हैं कि डी एक्स बाई डी पी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी क्यू एंड डी वाई बाई डी क्यू इज इक्वल टू डी जेड बाई डी आर। तो यहाँ से हमें तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस मिल जाती हैं। तो इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को वन बाय वन या इनको सॉल्व करके हमारे पास एक जनरल सोल्यूशन आ जाता है। तो अब लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा तो उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, f of u v is equal to zero। और यहाँ पे u जो है ये भी x y z का फंक्शन होगा एंड v इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ x y एंड z। अब यहाँ पे ये जो u और v हैं ये हम कैसे फाइंड करेंगे, हम दो जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे u एंड v फॉर दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम दो सॉल्यूशंस जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। तो ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का और इसके सॉल्यूशन का। तो आइए अब हम उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जो कि स्टूडेंट ने हमसे पूछी है और उसमें हम इसी मेथोडोलॉजी को फॉलो करेंगे। तो ये हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विच इज लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन
y squared plus z squared minus x squared times p minus 2xy times q plus 2xz is equal to 0. So we are going to solve this equation. अगर हम इस differential equation को Lagrange's partial differential equation की standard form से compare करें, the standard form of Lagrange's partial differential equation is p p plus q q is equal to r. ओके, तो पहले हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेग्रांजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वाई स्क्वेड प्लस जेड स्क्वेड माइनस एक्स स्क्वेड टाइम्स पी माइनस टू एक्स वाई टाइम्स क्यू इज इक्वल टू माइनस टू एक्स जेड. ओके, अब अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो हमारे पास जो पी फंक्शन है, कैपिटल पी, सो हेयर कैपिटल पी इज इक्वल टू दिस फंक्शन इज कैपिटल पी विच इज वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर. सिमिलरली कैपिटल क्यू इज दिस फंक्शन विच इज माइनस टू एक्स वाई एंड द वैल्यू ऑफ आर इज माइनस टू एक्स जेड. ओके, तो ये हमारे पास पी क्यू और आर फंक्शंस आ गए. और सबसे पहले अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, जो कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी? सो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज तो वो होती है डी एक्स बाय पी इज इक्वल टू डी वाई बाय क्यू which is equal to dz by r. तो यहाँ p q r functions को अगर हम substitute कर दें तो हमारे पास एक equation बनेगी dx by p which is y squared plus z squared minus x squared which is equal to dy by q which is minus 2xy which is equal to dz over r और r की value है minus 2xz. अब यहाँ पे हमारे पास तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस बनेंगे. ओके, यहां पे तीन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आ गई. अब हम इनको सॉल्व करेंगे यहां से, तो हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी जो पहला जनरल सॉल्यूशन होगा वो हमें यहां से मिल सकता है. जिस तरह देखें, अगर हम यहां पे dy by माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू dz by माइनस टू एक्स वाई जेड, ये इन दो पार्ट्स को अगर हम कंसिडर करें, सो हेयर डी वाई बाय माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड बाय माइनस टू एक्स जेड. ओके, इसको अगर हम यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो यहां से देखें माइनस टू यहां से कैंसिल आउट हो सकता है, इस तरह एक्स और एक्स यहां से कैंसिल आउट हो सकता है, तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू डी जेड बाय जेड. ओके, और अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स सेपरेटली तो हमारे पास एक जनरल सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा. अब हम क्या करें, अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को डी वाई बाय वाई और इन दोनों को अगर हम इंटीग्रेट कर दें दोनों इक्वेशंस को अलग अलग, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट कर रहे हैं और राइट हैंड साइड पे विद रिस्पेक्ट टू जेड इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करने पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, तो इनको इंटीग्रेट करें तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ जेड, तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग जेड, और कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं लॉग ऑफ सी, सी वन लिख देते हैं. अब इस लॉग इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, सो लॉग वाई माइनस लॉग जेड इज इक्वल टू लॉग सी वन, तो लॉग ऑफ वाई ओवर जेड इज इक्वल टू लॉग सी वन. यहाँ पे हम क्योंकि टू लॉग्स का डिफरेंस है तो ये लॉग ऑफ सिंगल लॉग ऑफ कोशेंट हो जाएगा यहाँ, तो अगर हम लॉग लॉग दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दें तो वाई ओवर जेड इज इक्वल टू सी वन. तो ये हमें फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन मिल गया Lagrange's डिफरेंशियल इक्वेशन का, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का. अब हम इसका सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, और देखिए सेकंड सॉल्यूशन यहाँ से फाइंड आउट करना इतना ऑब्वियस नहीं है,
उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम मल्टीप्लायर्स यूज करेंगे. सो वी टेक, सो वी टेक एक्स वाई एंड जेड इज मल्टीप्लायर्स. तो अब हम यहां पे एक्स वाई जेड को मल्टीप्लायर्स लेंगे और मल्टीप्लायर्स हम इस तरह मल्टीप्लिकेशन इस तरह करेंगे कि हम यहां पे लेफ्ट हैंड साइड को यहां पे इसको ऊपर नीचे हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे हम ऊपर नीचे वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे ऊपर नीचे हम जेड से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, और फिर हमने ये करना है कि न्यूमरेटर्स को हमने अलग से ऐड कर देना है और डिनोमिनेटर्स को अलग से ऐड कर देना. अब इस तरह जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा वो बेसिकली इनमें से हर एक के वो इक्वल होगा. यहां पे क्या होगा, यहां एक्स से मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, सो एक्स डी एक्स, फिर प्लस यहां वाई से मल्टीप्लाई करें वाई डी वाई प्लस, और यहां जेड से मल्टीप्लाई करें जेड डी जेड ओवर, और यहां एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे थे हम, एक्स से मल्टीप्लाई करें इस पूरे डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वेर्ड प्लस एक्स जेड स्क्वेर्ड माइनस एक्स क्यूब, और यहां हम वाई से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो माइनस टू एक्स वाई स्क्वेर्ड, और यहां हम जेड से मल्टीप्लाई कर रहे थे माइनस टू एक्स जेड स्क्वेर्ड. तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है और ये हर एक के इक्वल इनमें से, इसके भी या इसके भी. तो सपोज इसको हम किसके इक्वल ले लेते हैं, और इसको हम सपोज ले लेते हैं, इसके इक्वल ले लेते हैं डी जेड बाय माइनस टू एक्स जेड. ओके, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. यहां पे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं डिनोमिनेटर को, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ओवर, सिंप्लीफाई करें एक्स वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई स्क्वेयर प्लस एक्स जेड क्यूब माइनस टू एक्स जेड थ्री प्लस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस टू एक्स जेड स्क्वेयर विच इज माइनस एक्स जेड स्क्वेयर एंड फिर है माइनस एक्स क्यूब एंड देट इज इक्वल टू डी जेड ओवर माइनस टू एक्स जेड. और इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो यहां पे इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो यहां पे सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड को हम दोबारा से इस तरह लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ओवर, और यहां से देखिए अगर हम माइनस एक्स कॉमन ले लें, माइनस एक्स कॉमन ले लें क्या रहेगा, वाई स्क्वेड प्लस जेड स्क्वेड प्लस एक्स स्क्वेड, और यहां रह जाएगा डी जेड ओवर माइनस टू एक्स जेड. यहां से देखें माइनस एक्स, यहां माइनस एक्स से कट जाएगा तो हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगी एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड ओवर एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड प्लस जेड स्क्वेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर टू जेड. ओके, और इस टू को अगर हम यहां मल्टीप्लाई कर ले, इस तरह भी लिख सकते हैं कि टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड ओवर एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड प्लस जेड स्क्वेड इज इक्वल टू डी जेड ओवर जेड. अब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड्स को, इफ यू टेक इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये देखें एक्स स्क्वेड प्लस वाई स्क्वेड प्लस जेड स्क्वेयर है नीचे, और ऊपर जो है टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई प्लस टू जेड डी जेड, तो बेसिकली इस सारे का डिफरेंशियल है, यानी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर का ऊपर इस सारे का सारा डिफरेंशियल है. जब भी नीचे फंक्शन और ऊपर उसका डिफरेंशियल हो तो इंटेग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ दैट फंक्शन. ओके, तो यहां पे जो इंटेग्रल होगा वो क्या होगा, ये होगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर,
और इधर होगा log ऑफ z, और प्लस कांस्टेंट होगा log ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस टाइम हम c2 ले लेते हैं। और इसको अब हम सॉल्व करते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस लॉग ऑफ जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू। यहाँ पर इसको अगर हम सिंगल लॉग में लिखें लेफ्ट हैंड साइड को, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ओवर जेड इज इक्वल टू लॉग ऑफ सी टू। और लॉग लॉग दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर ओवर जेड विच इज इक्वल टू सी टू। ये हमारे पास सेकंड जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हमारे पास अब जो जनरल सॉल्यूशन होगा, जो सॉल्यूशन होगा इसका होगा, वो होगा एफ ऑफ बेसिकली सी वन सी टू इज इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ सी वन हमारे पास फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन क्या आया था, और सी वन जो हमारे पास आया था वो ये था y by z is equal to c1, तो ये फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन था और ये सेकंड जनरल सॉल्यूशन है। और यहाँ पे c1 c2 की वैल्यूज अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हम इस तरह लिख सकते हैं f of x squared plus y squared plus z squared over z comma y by z is equal to zero। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ आवर लेग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फंक्शन है ये भी, ये क्या है, एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और जो सेकंड है ये वाई का फंक्शन है। आमतौर पे ये दोनों फंक्शंस जो हैं, जिस तरह मैंने स्टार्ट में इंट्रोडक्शन में लिखा था कि यू या वी इनको हम कहते हैं, ये दोनों एक्स वाई जेड के फंक्शंस होते हैं। तो इस तरह हम लैग्रांजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन ऑफ टूडे सेशन। तो दूसरा क्वेश्चन जो है ये अहमद अरशद ने पूछा है, हेलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड इक्वेशन। तो अहमद अरशद ये जानना चाहते हैं कि फंक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है। फंक्शन जो है वो कोई भी ऐसी इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में विच कनेक्ट्स टू वेरिएबल्स यूजुअली एक्स एंड वाई, जहाँ पे हमें एक्स की हर एक वैल्यू के लिए y की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू आती है। ओके, सो फंक्शन इज बेसिकली एन इक्वेशन कनेक्टिंग टू वेरिएबल्स सच दैट फॉर ईच वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल देर इज वन एंड ओनली वन वेरिएबल ऑफ द सेकेंड वेरिएबल। तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं फंक्शन। ओके, लेकिन हमारे पास ऐसी इक्वेशन भी हो सकती हैं जो कि फंक्शन ना हो। बाज का तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन होती हैं कि जहाँ पे हमें एक वेरिएबल के लिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल की एक से ज़्यादा वैल्यूज मिल रही होती हैं, तो ऐसी इक्वेशन फंक्शन नहीं होती। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी फंक्शन इज एन इक्वेशन बट एन इक्वेशन मे नॉट बी अ फंक्शन। यानी हर फंक्शन जो है वो इक्वेशन होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन जो है वो भी फंक्शन हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड इक्वेशन। उम्मीद है कि इससे आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आज के सेशन को हम यही एंड करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर दोज क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।